नमस्कार साथियों, मैं आपका देसी पत्रकार पारस राजस्थानी और मेरे साथ कुछ अतिथि है। पूर्व प्रधान जी है, कहाँ से प्रधान रहे और क्या इनका राजनीतिक जीवन रहा इसके बारे में भी जानेंगे और जो सामाजिक उत्थान के लिए जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी इनसे चर्चा करेंगे। नमस्ते सर। राम राम साहब। क्या नाम है आपका? मारो नाम रिद्धकरण है और मैं 5 और 10 टाइम जाइल को प्रधान रियो और पार्टी के हिसाब में कांग्रेस हूँ जुड़ हूँ और थेट हूँ जुड़ हूँ और आज भी मौके पर अटे रामपाल जी महाराज के और जो सोजत के मायने आश्रम है और ये आश्रम में मैं पहली बार ही आयो हूँ। हालांकि रामपाल जी के बारे के मायने हुजड़ी बात खूब है लेकिन आज अटायो और लोगों की जगह भावना, लोगों में जागृति, लोगों में आस्था मैं जगह देखी हूँ। आज तक मैं घणों ही फिरी हूँ मैंने आज तक यहाँ को मैं नहीं देखी हूँ। हर आदमी सेवा भाव चाहे सफाई है चाहे मतलब कोई अब आदमी आए को जगह की सेवा अति करेगे वो पाचों बारे जावे ना जब तक मैंने महसूस नहीं हुएगे मैं कटे जो भटकता हूँ कहीं मतलब हर चीज़ के मायने और लोग अत्ता लग जुड़ा है मैं महसूस नहीं करे कि मैं थाली मांजा मैं पुरसारी करा मैं पानी पावा मैं इन्हें यहाँ करा वाज तू के मायने लोगों में जगह आस्था है मैं यहाँ की आस्था आज तक ही बन देगी लोग आ कहवा। मैं कई लोगों से चर्चा भी करी मैं कि भाई मैं आज शुद्ध जा रहा हूँ कि रामपाल जी वो ही गए जो जेल में है चाहे कटई है और जगह भगत है और कबीरदास जी का भगत है और हर जगह महाराज के हर जगह साइकिया लिखोड़ी है और मैं कबीरदास जी की बहुत पुरानी लिखोड़ी है और महाराज के मना एक बात बताओ अगर मैं जेल में है हर प्रकार का लुगाई मोटियार टाबर युवा पूरा का पूरा यहाँ मैं वो जाने सरकार पैसा खर्च करेगा भाई नशा मुक्ति है जो नशे को नशो छुड़ाओ बिया छुड़ाओ हमारी आत्मा के बाद जो एक बार आएगो और अटी कर निकल गो जगह के मन में आई कहीं शरीर के मायने आप कहीं की नहीं करिए तो वो शरीर बेकार है आत्मा में अपने आप जागृति पैदा हुए यान का महाराज की भावना महाराज को संदेश और लोगों के मायने भाव है लोगों के। प्रधान जी एक और मानो सवाल रेवला जैसे आप आठ पधारिया हो तो लेकिन कुछ कथाकथित जगह संगठन है वे कहे रामपाल जी महाराज जो की है हिंदू संस्कृति ने खत्म कर रहा है रामपाल जी महाराज रा अनुयायी और रामपाल जी कहे कि भाई नशो नहीं करना है ब्याह साहब में अमल डुडरी मनवार नहीं करनी चाहिए और जो को बेटी ने दाई जो देवो देवो और सामाजिक कुरुति है तो इनमें आप कई विचार है। मन एक बात बताओ कि हिंदू संस्कृति ने ख़त्म कर दिया है हिंदू संस्कृति ने यहाँ कर दिया है महाराज का जगह विचार है किसा हिंदुओं हिंदुओं विपरीत है बताओ आप कौन किस हिंदुओं विपरीत है हर चीज़ है जगह हिंदू के मायने तो संत है महात्मा है बे आई कई के साहब शुद्ध बोलो सही चालो भगवान की भक्ति करो अगली बात आई कह रही है अरे यही महाराज रामपाल जी में कह रही है रामपाल जी आई कह रही है कि आप लोग शरीर के हिसाब हूँ भावना के हिसाब हूँ काम के हिसाब हूँ और आप ही जीवन में जगह आया हो नशो मत करो जगह खान भ्रष्टाचारी है जगह मत करो जगह नशा पता है मत करो आया हो जगह आराम हो जियो आप ज्ञान प्राप्त करो की किताब है मैं अब आरमन बताई है कोई भी हिंदू संस्कृति के मामले में चैलेंज करे कि मारा जो गलत काम है वो यहाँ है मैं को यहाँ तो बार जगह जगह है लोग के हुए हमारे जगह अयोध्या में मिंदर बनाए है भाई मिंदर का ठेकेदार है मिंदर बा का बाप को है कहीं हर हिंदू हर हिंदू है जो रुपया दिया है हर जगह दिया है भाई 1 लाख थोड़ी है कह रहे हो कि मतलब नहीं है रामपाल जी मना बताओ कबीर जी जगह है कबीर कबीर मुसलमानों में नाम हुआ है कबीर मुसलमानों में नाम हुआ है हाँ सर रे दास जी हिंदू आ कबीर कबीरदास जी जितनी भी बाइया जितो भी काम करियो है हिंदू संस्कृति के हिसाब में करियो है ये कोई निकाल गया हो कहीं रामपाल जी कबीरदास जी जुड़कर कबीरदास जी की जगह भावना ही
लेकिन हिंदू संस्कृति में भावना ही बाप प्रकट करे कहीं जुल्म कर दियो। एक चीज बड़े बतावे कि जैसे मृत्यु बोझ है रामपाल जी महाराज अन्य ही है जगह के भाई आ एक सामाजिक में कुरुति है और इन लोग बर्बाद हो रहा है मृत्यु बोझ आ बंद होनी चाहिए इनमें आप विचार कई कहवे। मैं को दर्द समाज बड़ा हुए ना वे लोग भी आके वे आपने हिंदू संस्कृति मायने आपने समाज में ये मृत्यु बोझ है फालतू का जगह देश पता है फालतू खर्च है ये कम करो मत करो टावरा न पड़ो ढंगू चालो ढंगू रहो ये तो थेड़ू चालता है ये कहीं क्या आएंगे वे। मैं तो आके वहाँ के आज जगह मैं आयो हूँ और मैं यहाँ का विचार और आगे जगह 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 लिखोड़ा है आज को नहीं हजारों साल पहली का जगह वहाँ का जगह उद्गार जगह संत महात्मा का वे उद्गार या प्रकट कर रही है कहीं नो कहीं कर रही है बताओ आप ये आके वे आप लोग समझो मनुष्य मनुष्य एक है मनुष्य जाति से आप घृणा मत करो एक दूसरे का भाईचारा रखो खर्चा कम करो ज्ञान ज़्यादा लो यही बात कहते हैं और कहीं कहे बताओ। प्रधान जी एक मारो लास्ट सवाल और है आप के आप राजनीति को जुड़ जुड़ा जीवन है आप रो आपके सामाजिक कार्यक्रम में भी किया हो कई राजनीतिक कार्यक्रम में भी किया हो और एक अटे भी विशाल भंडारो हो रही है तो इन्हीं व्यवस्था में और उन व्यवस्थाओं में आपने कई भिन्नता लागी कई नजर आई आप। मैं कहूँ जगह जगह कई जगह भंडारा हुए समाज के मायने हुए साधु संता में भी हुए भिन्नता लागी एक अट जगह मामलो है मतलब व्यवस्थित मामलो है और साफ सफाई लिए हर चीज़ को मतलब ये मन में आवेगा कचरो नहीं बिकड़ो और डंगू रहो आदमी जिम्मे तो परेशान नहीं होनू मतलब हर चीज़ के मायने भावना जगी है ना बड़ी अटूट भावना है लोगों की मैं ये बात की बहुत कदर करूँ। लास्ट सवाल आप रहो कि अठू आप कई जीवन में सीख लेन जाओला आपने निजी जीवन में कि भाई अट आई एक चीज़ मैंने लागी जब जीवन में उतारनी चाहिए। मैं जो आज आया हूँ ना हमारे जीवन में मैं 75 साल को हूँ भी के बावजूद ही मारे यहाँ मन में आवे कि मैं अगर आज अट नहीं आता तो कई बातों में वंचित रह जाता और आज आने के बाद में हर चीज़ के मायने मारे मन में आवे कि इतना बड़ा संत है और हजारों लाखों की जनसंख्या में लोग आवे और भक्ति भाव आवे तो आपनो शरीर आप ही नहीं सुधार सका आपने घर ने आप ढंगों नहीं चला सका तो वो जीणो ही वरता है। तो बहुत बड़ी बात और अच्छी बात पूर्व प्रधान जी बताइए कि जीवन में एक सार्थक यात्रा ही है अपनी शॉर्ट में कहे तो और आप निजी अनुभव बतायो मैं आपके हाथे पारस राजस्थानी फिर मिलूंगा धन्यवाद।